एक बार भाजी फिर स्वागत है जी तोरा फेरा चैनल का साढ़े स्टॉल से आए बहुत बहुत धन्यवाद जी बहुत बहुत मुबारक जी। ये साडा मॉडल 9500 स्मार्ट जिला के ट्रैक्टर स्मार्ट सीरीज असी करके लॉन्च किया है। बहुत सोहना ट्रैक्टर बनाया तुम देखते हो गए रंग रूप ट्रैक्टर का सिंगार प्रॉपर वधिया तरीके है पावर स्टेयरिंग के नाल लाइटा लुइटा देखो ये सारिया स्मार्ट स्मार्ट फीचर जिमें अपनी कार जी हैगी चाबी ना चलती है उवें ट्रैक्टर भी चाबी ना है इधर करोगे अनलॉक यस सर आखो इधर देखो तो इधर देखो सर थोड़ा जहा अनलॉक हो गया दो लाइटा देखिए आ लॉक हो गया क्या बात है सर क्या बात है। कई बार पर रात में ट्रैक्टर कितने खड़ा आया होंगे देखना होंगे कितने आ बटन दबोगे तो लाइट अपने आप 6 बार जाके दस देंगे भी मैं ट्रैक्टर इतने खड़ा है। ठीक है जी यदि 10 मीटर तक की रेंज हैगी चाबी की ठीक है जी इस तो बिल्कुल बिल्कुल सानू पहले ही पता चल गया ताई पहले दसता अच्छा एक फीचर भी चला गया हूँ जिम्मे रात घरे ट्रैक्टर लाने हैरा हों ट्रैक्टर ला के रूम तक जाना हों तो आप दबोगे तो फ्रंट वाली लाइटा 10 सैकेंड लिए चालू हो जाएगी देखोगे स्टार्ट वास्ते चाबी लग गई हो गई हूँ हूँ जो जी घर पहुँच गए उस समय फिर बटन दब देना लाइटा बंद हो जाएगी तो लॉक अनलॉक ये तो बाद चाबी नाल ऑन कर दोगे स्टेयरिंग लॉक नहीं होना एक मिनट ये तो पूछो भाई नहीं सर जो अपना गड्डिया के हों ना गड्डी के देखा जी चाबी होंगी है वो सिर्फ लॉक अनलॉक करती है ना लॉक अनलॉक ही करती हैगी है या भी बटन लगे हों या अपन चाबी के ऑन करना पैदा गड्डी सो ये भी जो स्टार्ट करना है तो इतने चाबी अलग लगूंगी बट ये भी इस तो लॉक हो गया तो ट्रैक्टर ऑन नहीं होगा ये फीचर हो गया। बाकी इस ट्रैक्टर के देखोगे हाइड्रोलिक लिफ्ट मैसी की जी पहले ही तुम्हें पता है कि हाँ बहुत बहुत जबरदस्त हैगी है। इस ट्रैक्टर के है इस ट्रैक्टर के कि जो अपना डिस्ट्रीब्यूटर है वो वास्ते अलग तो पंप लाया हुआ ये जा रहा है बिल्कुल बिल्कुल तेल जो जा रहा है वह भी छण के आऊगा जो वापस आ रहा है वह भी छण के आऊगा प्रॉपर तुम देखोगे 2 फिल्टर लगे हुए सो एक तो जो तेल जाना वो भी छण के आऊ वापस आना वो भी छण के आऊ रोटरी पंप के नाल है डायफ्राम पंप है डायफ्राम के नाल की है कि जो आप जोर वध की लोड़ पैंदी है तो ट्रैक्टर का जोर ऑटोमैटिकली वध जांदा इन्नी ट्रैक्टर की खिचाई हैगी है। सो होर फीचर देखांगे वो भी खोल देने इस तो बाद क्लच देखोगे ड्यूल क्लच है इन्हों सिंगल डबल करने वास्ते या फीचर ला रखा है तुम्हें रोटावेटर वगैरह चलाना है उस समय इन पिछे कर दोगे हूँ क्लच पूरा दबोगे तो पूरा क्लच दबिया जाएगा तो लिफ्ट से पीडियो दोनों रुक जाएगी इतने होगा तो सिर्फ ट्रैक्टर रुकूगा दबागे तो सिर्फ ट्रैक्टर रुकूगा पीडियो तो लिफ्ट चलती रहेगी। बाकी ट्रैक्टर की होंगे आप किसी बुराई नहीं करा सारे ट्रैक्टर वधिया ने बट साढ़े की है वो दस दिए सू बाकी ट्रैक्टर की है कि हाइड्रोलिक का काम तो डिस्ट्रीब्यूटर का काम इको पंप करता है ये वाला बट मैसी की है ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर लाइन के लिए है हाइड्रोलिक लिफ्ट चलाने लिए ये अलग तो पंप है जिद की है कि जी अपनी सेंसिंग है वो बहुत वधिया रहती है कितने तेल ने इतों जाके पिछे सेंस करना सी कितने इतों की नाल कर लेना डिस्टेंस घट गया जी पाइप ज्यादा छोटी होगी जल्दी सुट्टा मार लूँ लंबी पाइप होगी सुट्टा मारू टाइम लगू सो वो ये बेस्ट चीज़ हैगी है। तेल जो पंप है वो तेल के डुबया आ गर्म नहीं हों ठंडा रहा जो तुम लिफ्ट चलाओगे वो उत्ते लोड पैंता है तो यही कुछ कारण है जिदे मैसी जो है तेल घट खाता खोल के देखना चाहते हैं जरूर जरूर भाई देखियो खोलन वास्ते सामने आ लीवर लग्या इन पिछे खिंचोगे खिंच के तो इन चक दोगे उपर मतलब कि चाबी नाल हाँ ये मैनुअली है बिल्कुल बिल्कुल सारा मैनुअल नहीं है सारा ऑटोमैटिक नहीं कर सकते कुछ मैनुअल भी करना पड़ना यदा एयर फिल्टर आ गया रिकवरी बोटल आ गई ये इंटरकूलर आ गया ये बैटरी हैगी ये देखोगे फ्रंट पर जाली दे रखी है एक रेडिएटर जोड़ा है वह चोक ना हो बचाने वास्ते जाली ती भी है जिद के जो चौक होंगे कट के साफ कर दोगे ठीक है दोबारा इनू इदा ही इंस्टॉल कर दोगे। तेल वाली टैंकी दी भाजी 70 लीटर दी अप्रोक्सीमेट आई थिंक ठीक है ते उस तो बाद अपना उपर इंजन के उपर है ये की है कि हल्का तेल गर्म होकर तो ग्रैविटी अंदर जाता है फीड पंप के थ्रू सीधा सिस्टम से इंजन से तेल जाता है तो ट्रैक्टर परफॉर्म करता कर दी मतलब पावर स्टेयरिंग का तेल वास्ते पावर स्टेयरिंग तेल जोड़ा वो इतने पाँगा है कैस्ट्रोल का टी क्यू तेल जो पाँगा है। एक भाई जो मेन फीचर जो आप दस जी पहला भी वो फीचर से दसीए लो भाई ये उपरा दसूगा इतना ही दसो उपरा भाजी उपर आओ ये पर लाइव होया
नहीं नहीं लाइव नहीं है। चाबी दो भाई, वो एडिट कर देंगे कोई बात नहीं। टंकी भाई इंस्ट्रूमेंट का देखो कितना साफ सुथरा वधिया इंस्ट्रूमेंट का सर है। एक्सल पर लोड यानी भार की देखभाल करने के लिए आरपीएम वास्ते हो गया, पीडीओ 540 1800 पे। ये हाइड्रोलिक दी जड़ी अपनी सेटिंग है उस वास्ते है, जो तुसी इंप्लीमेंट पाता तो इनू एक बार जीरो मार लेना। उस तो बाद की है जिन्ना तुसी लोड पाना थले करोगे लिफ्ट थले करोगे तो तुहानू इंडीकेशन इस तों भी जाऊ, बार बार लिफ्ट छड़न की लोड़ नहीं पैनी, तुहानू इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी पता चल जाऊ। आपां दिखाने आ क्लस्टर करके अच्छा चाबी हो जी सॉरी सो देखोगे हाँ देखो लिफ्ट जिमें आप लीवर देखो लीवर देखो लीवर आप उपर कर रहे हैं तो उधरों मीटर उपर हो रहा। क्या बात है जी क्या बात है, लीवर मीटर के नाल अटैच है जी। जी सर बहुत ही सोहना बहुत ही शानदार। इस तो बिना पीडियो तुम देखोगे गेयर 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 हाँ जी गेयर एक हाई लो इतने लगे आया एक हाई लो इतने लगे आया तीन गेयर ये इधरले पासे ने सो तीन गेयर हाई लो चार चार ती बारह बारह स्पीड अगे एक स्पीड चार स्पीड पिछे हाई लो मीडियम मीडियम है मीडियम है ये हाई लो ये मीडियम हाई लो पीडियो इधर आओ भाई पीडियो पीडियो देखो मल्टी स्पीड पीडियो ग्राउंड स्पीड पीडियो लाइव पीडियो तीन तरह की पीडियो दिख रही है एक रिवर्स पीडियो भी हैगी है तो चार तरह की पीडियो पहली बार एक ट्रैक्टर के बीच आई है ऑप्शन मिल जाते हैं फोर व्हील दे टू व्हील ऑप्शन पिछले 1600 दे अगले 750 16 12+12 का पावर स्टीयरिंग ऑल डिस्क ब्रेक का 246 डायनाट्रैक डिस्ट्रीब्यूटर ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਸੀਟ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੰਫਰਟ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣੇ ਕਹਿਣੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗਾ ਮੈਂ ਦਈ।